विलियम सोमरसेट मोघम की इस लघु कहानी में अल्बर्ट एक ऐसी व्यक्ति है जिसने चर्च अधिकारी के रूप में सेवा करने के लिए 16 साल समर्पित किए हैं। जब एक नए पादरी को यह पता चलता है कि अल्बर्ट पढ़ या लिख नहीं सकता, तो पादरी अल्बर्ट को सूचित करते हैं कि उसे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अल्बर्ट ने समाधान खोजने का प्रयास करते हुए सीधे घर पर जाने के बजाय सड़कों का पता लगाने का फैसला किया। साहसिक यात्रा के दौरान उन्होंने एक कंपनी शुरू करने का फैसला किया। वह तुरंत प्रदर्शित करता है कि मजबूत शिक्षा के बिना भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। आपको बस नवीन ढंग से सोचने की क्षमता और अपने प्रस्ताव के पीछे खड़े रहने का साहस चाहिए। द वर्जर मोघम की एक लघु कहानी है। यह विनम्र अल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन की कहानी है। उन्होंने नेविल स्क्वायर में सेंट पीटर चर्च में एक वर्जर के रूप में कार्य किया और अपनी जिम्मेदारियों को उत्साह और भक्ति के साथ निभाया। चर्च के अंदर नए पादरी के प्रवेश से उसके सामान्य कर्तव्य बाधित हो जाते हैं, इसलिए जैसे ही उसे पता चलता है कि फोरमैन अनपढ़ है, वह तुरंत कार्रवाई करता है। पुजारी की क्षमता जैसी विशेषताएं सेंट पीटर के बारे में अच्छी तरह से बताती है। उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद फोरमैन फिर भी अपनी नौकरी खो देता है। फोरमैन को पढ़ना और लिखना सीखने के लिए पादरी से 3 महीने की छुट्टी मिलेगी। हालांकि उन्होंने यह कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि वह सीखने के लिए बहुत छोटा है। पादरी का कहना है क्योंकि फोरमैन अनपढ़ है, इसलिए पेरिश ने उसका रोजगार समाप्त करने का फैसला किया। फोरमैन ने कभी नहीं सोचा था कि पुजारी की पसंद के परिणाम स्वरूप उसे इतना गंभीर झटका लगेगा। जब उन्हें 16 साल पहले नियुक्त किया गया था, तब उनका मानना था कि वर्जर के रूप में उनकी स्थिति स्थायी थी। हालांकि 16 साल के लंबे करियर के बाद उन्होंने अचानक अपनी नौकरी खो दी। स्वर्गीय चर्च सेवा के बाहर किसी भी घरेलू कर्तव्य को स्वीकार करके वह खुद को अपमानित नहीं करना चाहता। चर्च से बाहर निकलने पर फोरमैन वास्तव में दुखी और व्यथित होता है। वह गलत निर्णय लेता है और अपने घर से दूर चला जाता है। वह लंबी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ध्यान से सोचता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। उसके पास बहुत कम पैसा है, लेकिन यह काम किए बिना उसके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह धूम्रपान नहीं करता है, लेकिन जब वह परेशान होता है या थक जाता है तो उसे सिगरेट पीना है। वह धूम्रपान करना चाहता है जिससे उसे अच्छी महसूस होगा। लंबी सड़क पर उसे तंबाकू की दुकान नहीं मिल रही है। वह सोचता है कि यह अजीब लगता है। उनका मानना है कि ऐसे स्थान पर तंबाकू का व्यवसाय सफल होगा। वह अगले दिन अपनी योजना पर अमल करता है। उसने एक उपयुक्त स्टोर किराए पर लेकर अपनी तंबाकू कंपनी शुरू की। सब अच्छा है। मुनाफा कमाने के बाद उन्होंने 10 वर्षों में लंदन के आसपास 10 शाखाएं खोली। वह एक सफल व्यवसायी बन गया और उसका बैंक खाता 30,000 पाउंड तक पहुंच गया। एक दिन बैंक प्रबंधक उसे अपना पैसा कुछ सुरक्षित परिसंपत्तियों में लगाने की सलाह देता है। अल्बर्ट का दावा है कि वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता और अपना पैसा बैंक में सुरक्षित रखना पसंद करता है। इसके अलावा उसे पता नहीं है कि वह कैसे और किन प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है। मैनेजर
जवाब देता है कि उसे बस एक संकेत देने की जरूरत है और वह अपने पैसे की देखभाल के लिए वहां मौजूद है। कंपनी शुरू करने के बाद से अल्बर्ट ने हस्ताक्षर करने की क्षमता हासिल कर ली है। उसे कैसे पता चलेगा कि वह कहां निवेश कर रहा है? वह मैनेजर से पूछताछ करता है। मैनेजर का दावा है कि वह पेपर पढ़ने और फिर उस पर हस्ताक्षर करने में सक्षम है। अल्बर्ट अपनी साक्षरता की कमी को पहचानते हैं। उनके कबूलनामे ने प्रबंधन को चौंका दिया। पढ़ने लिखने में सक्षम न होने के बावजूद अल्बर्ट ने अकूत धन इकट्ठा कर लिया है। यदि वह पढ़ लिख गया होता तो उसने क्या क्या हासिल किया होता? हालांकि अल्बर्ट ने हल्के ढंग से उत्तर दिया कि यदि वह पढ़ना और लिखना जानता तो उसकी एकमात्र नौकरी सेंट पीटर्स नेविल स्क्वायर में एक वर्जर के रूप में ही होती। कहानी यही खत्म होती है। थैंक यू।